ठीक है जी, अब ठीक है, आ रही आवाज, अब आ रही आ रही। देखिए मेरा मुस्तकबिल ना मैं बता सकता हूँ ना आप लोग बता सकते हो, मेरा मुस्तकबिल अल्लाह ने लिखा है। और अल्लाह ताला, हम लोग हैं तो मुस्लिम्स, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली अल्लाह पे बिलीव बहुत कम हो गया है। मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है अल्लाह पे, और हम लोग जो मैं मेहनत करता हूँ वो अल्लाह ताला ने देनी है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। और अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो मैं टीम में रहूँगा, वरना नहीं रहूँगा। मेरा काम सिर्फ परफॉर्म करना है, और ये बाकी चीज़ें सब बोर्ड की। बाबर आप बताइएगा कि बाबर से सवाल है, इस तरह जिस तरह होता है कि सिलेक्शन कमेटी जो ख़त्म होने की बातें हो रही हैं वर्ल्ड कप में, आपके बाद जो है वो जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है, और दूसरा जो है कप्तान चेंज होने की बात हो रही है, तो अगर आपको कप्तानी दी जाती है तो आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं? जी पहली बात तो ये कि ये पीसीबी का डिसीजन है, वो उन पे है। मेरा जो मेरा काम है क्रिकेट खेलना, और वो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और ये फैसला जो जो करना है वो पीसीबी ने करना है, और मेरा अपने आप पे बिलीव है। मेरे अपने जो हार्डवर्क करता हूँ मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि मैंने अपना 100% देना हर मैच में, और बाकी जो फैसला वो पीसीबी का। सर जैसे हम 10 टीम हम वर्ल्ड कप जीतने खेलने के लिए आए थे, इस तरह बाकी 10 टीम भी प्रिपरेशन के साथ आई थी, और बेशक हम इसीलिए गए थे कि हमारी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सके। इसलिए हम वर्ल्ड कप से काफी पहले इंग्लैंड से सीरीज, और इंग्लैंड आपको पता है टॉप 1 रैंक टीम है, और हमने वहां पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली हम 5 मैचेस नहीं जीत सके, लेकिन अगर आप देख सकें कि हमारा जो बैट्समैन थे उस सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, हमारे मैचेस बहुत टफ हुए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पहला मैच था हम सब खुद उस पर बहुत अपसेट थे, क्योंकि हम जो करना चाहते थे जिस तरह की प्रिपरेशन है वैसे उस वक्त उस मैच में रिजल्ट नहीं आए, और दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, ये हो जाता है, ये हमारे साथ नहीं बड़ी बड़ी टीमों के साथ होता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह का हमने कमबैक किया, और सेकंड हाफ में हम लोगों ने जिस तरह फाइट बैक की एक यूनिटी के साथ, तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, हम प्रिपरेशन करने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपके रिजल्ट्स नहीं आते। सर रन रेट बिल्कुल जो इमाम कह रहा है वो यही था कि हम जो पहला मैच लो रन स्कोर से हारे थे वो हमें एंड तक उस चीज़ का नुकसान होता रहा। जिस तरह वो इमाम ने बोला है कि हम अपना 100% दे रहे थे, जिसे हम सीरीज से पहले गए थे, जो हमारी सीरीज थी इंग्लैंड के साथ वो काफ़ी अच्छी रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो हम जीत नहीं सके, लेकिन इंडिविजुअल काफ़ी अच्छा रहा था, हर प्लेयर ने अपना परफॉर्म किया था। लेकिन वो जो जिस तरह बाकी टीमें भी खेलने आई हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन करके आई हैं करके आती हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम वैसा पहले मैच में अप्लाई नहीं कर सके कि हम अच्छा स्कोर करें, क्योंकि हम ऊपर नीचे आउट होते गए, जिसकी वजह से हमारा नेट रेट काफ़ी नीचे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को, इमाम फॉर मेकिंग इट टू द लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड, और बाबर फॉर ब्रेकिंग टू द नंबर 3 पोजीशन इन द ओडीआई रैंकिंग्स। इमाम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब आपको 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इस लेवल के ऊपर, और अब आपने वर्ल्ड कप के बाद हर तकरीबन सिचुएशन में और हर टीम के अगेंस्ट खेल दिया है, सो डू यू थिंक यू हैव एक्सप्लोर्ड योर सेल्फ एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, एंड और परहैप्स एज अ लीडर एज वेल? और बाबर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तकरीबन 6 मैच में आके पाकिस्तान को इस तरह लग रहा था कि अपने कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चला, क्योंकि पहले 5 मैचेस में तकरीबन 7 चेंजेस हमने की, तो आपको लगता है कि जो लड़के 4 मैचेस के बाद आप लोगों को वापस आना पड़ा, इट इज़ बिकॉज जो कोताहियां थी टीम मैनेजमेंट की उनकी वजह से लड़कों को उसका प्रेशर फेस करना पड़ा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जो कम्बिनेशन एट अ टाइम आप करते हैं विकेट देख के आपको प्लान करना पड़ता है कि कौन से टीम खिलानी है, और ये मेरे ख्याल से मेरी जॉब नहीं है, जैसे कप्तान और वो कोच की होती है, वो अपना डिसीजन लेते हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं। मेरे ख्याल से ये चीज़ है। सर
बिल्कुल दो साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में, लेकिन आई रियली बिलीव एंड आई स्टिल थिंक दैट आई एम रियली यंग इन दिस इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज 24 इयर्स की एज में आप कुछ काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है आपको इंटरनेशनल सीरीज में, हर वक्त आपको चैलेंजेस आते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस और अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है और जिस तरह की टीम बैकिंग है, जितने के जिस तरह मेरे फेलो प्लेयर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, इंसान कभी भी अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं होना चाहता, और आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेज रुक जाती हैं, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने आप के लिए जो गोल्स हैं वो हमेशा हायर और हायर सेट कर सकूं, तो इंशाल्लाह मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी। और आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो आप जब तक करियर एंड भी कर सको तो आपका वो खत्म नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को इतना मेंटली टफ करूं और अपनी प्रिपरेशन इतनी टफ करूं कि मुझे चैलेंजेस आसान लगे। अमामल, मजमूई तौर पर आपकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो वर्ल्ड कप समेत आपकी जो कारकर्दगी है बेहतरीन रही है। अगर आप 10 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक दो मैच में अगर आप स्कोर नहीं करते तो आपको सिफारशी खिलाड़ी होने का और इस तरह के ताने दिए जाते हैं। सवाल मेरा यह है कि इंजमामुल हक का भतीजा होने का आपको कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ है? सर देखें, मेरे लिए कहना मुश्किल है कि फायदा नुकसान, सर मैं इस चीज़ पे जरा थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ कि फायदा क्या है नुकसान क्या है। देखें सर, आप लोग ही मीडिया वाले, आप लोगों ने सपने कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था, आप ही लोगों ने बोला था हमारी आवाम तो मासूम है, उनको जो दिखाओगे वो बिलीव करते हैं, तो आप ही सवाल ये कर रहे हो और दिखाते भी आप लोगों। तो देखिए, मेरा काम ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ ओपनर इमामुल हक और उनके साथ हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम।